हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्यागन। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे सैनिक स्कूल 2023 के बारे में, सिलेबस क्या रहने वाला है क्लास सिक्स का। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना, मैं सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सर्च करना है गूगल में अजय विद्यागन। तो यार एम गोइंग टू सर्च ऑन गूगल अजय विद्यागन। यहाँ पर आपको सर्च करना है अजय विद्यागन। जैसे आप गूगल में सर्च करोगे अजय विद्यागन, देख सकते हो मैंने लिखा, उसके बाद आपको पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, ये वाली अजय विद्यागन नाम से, ठीक है। इस वाली वेबसाइट को आपको खोल लेना है, टच करना है आपको इस पर। सिंपली आपके फ़ोन में ये वेबसाइट कुछ इस तरह से खुलेगी। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको थोड़ा नीचे करना है और पहले नंबर पर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बॉक्स मिलेगा ये सैनिक स्कूल एडमिशन 2023 फॉर क्लास सिक्स, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, कुछ इस तरह का फेस पेज खुलेगा आपके फ़ोन में। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए एडमिशन जो आप सभी का फॉर्म आने वाले हैं वो सितंबर महीने में आने वाले हैं। पिछली बार 27 सितंबर को आए थे और इस बार भी 28 या 29 सितंबर तक आ जाएंगे फॉर्म, ठीक है। और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की रहेगी वो नवंबर महीने में रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स में एक मिलता है ना लिंक वाला, इस पर यहाँ क्लिक करने पर आपको क्लिक करना है सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिलेबस पे क्लिक करता हूँ और आपको थोड़ा सा नीचे करना है, पहले नंबर पे हमारा ये सिलेबस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलेबस आपको डाउनलोड करना है इंग्लिश में, तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं हिंदी में करने वाला हूँ तो मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड करना है पूरा का पूरा सिलेबस। मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है क्लास सिक्स का। तो हेयर आई एम गोइंग टू डाउनलोड, मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में खुलेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए 40 नंबर पेज पे चले जाना है, यहाँ पर क्लास सिक्स का आपको सिलेबस मिलेगा। पेज नंबर कैसे देखना है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो 40 नंबर पेज पर आपको जाना है, नीचे मैं चलता हूँ। उसके बाद आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर बताऊँगा क्या रहने वाला है। पर देखिए टॉपिक मिल रहा है हमारा मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैथ का जो पहले नंबर पे जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर्स का, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ का, अंटेरी मेथड्स का रहेगा, फ्रैक्शंस का रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, सिंप्लीफिकेशन का रहेगा, एवरेज रहेगा, उसके बाद परसेंटेज आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एरिया एंड पैरामीटर रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, मैं सबको सारे चैप्टर्स के नाम लूँगा, लाइन्स एंड एंगल्स, टेम्परेचर, उसके बाद और भी यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं मैथ में ही है ये ओनली, ठीक है। मैथ का बता रहा हूँ अभी, क्लास सिक्स का कन्वर्सेशन एंड यूनिट्स, रोमन न्यूमेरिकल्स एंड टाइप ऑफ एंजल्स, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूवर्ड्स, उसके बाद प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर्स, स्पीड एंड टाइम, ठीक है, समय और मतलब समय और दूरी, उसके बाद ऑपरेशंस नंबर्स, कंप्लीटरी एंड सप्लीमेंट्री एंजल्स, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब जो ये आपका क्या रहने वाला है, ये मैथ के कुल मिला के कितने चैप्टर यहाँ पर रहने वाले हैं, सभी के 25 चैप्टर रहने वाले हैं आपके। 25 चैप्टर्स के नाम मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगला जो हमारा क्लास सिक्स का ही मतलब इंटेलिजेंस का आता है, तो इंटेलिजेंस का जो आता है 50 नंबर का आता है यहाँ पर, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन होते हैं 25। तो इन्होंने क्या लिखा है इसके सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन ऑन द इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालिसिस मैथमेटिक्स वर्बल पैटर्न्स। तो कुल मिला के आपका वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, मानसिक योग्यता का परीक्षण करेंगे, इंटेलिजेंस में यही होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, थोड़ा नीचे जाओगे तो 41 नंबर पेज पे यहाँ पर इंग्लिश का भी आपको पूरा का पूरा मतलब जो चैप्टर वाइज लिस्ट है क्लास सिक्स का क्या रहने वाला वो मिल जाएगा, ओके। तो ये इंग्लिश भी आपकी 50 नंबर की आती है यहाँ पर। अब इंग्लिश के चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला जो चैप्टर रहेगा आपका इंग्लिश का, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रहेगा, ठीक है। प्रेपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स एंड टाइप, ठीक है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टर्म्स फॉर्म, ठीक है, टेंस फॉर्म्स, काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउंस, करेक्ट स्पेलिंग, उसके बाद अंडरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, ये रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, आइडम एंड फेरेज रहेगा, कलेक्टिव नाउन्स रहेगा, नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स, उसके बाद नीचे राइमिंग वर्ड्स रहेगा आपका, और सिंगुलर और प्लूरल। कुल मिला के इसमें भी 25 चैप्टर्स आने वाले हैं इंग्लिश में भी। उसके बाद और हमारा जो नेक्स्ट रहेगा क्लास सिक्स का ही, उसके वो रहेगा हमारा हिंदी का। तो हिंदी में आपके गद्यांश, विशेषण की पहचान, ठीक है, संज्ञाओं के, भेदों की पहचान, मुहावरे, स्तुम्न, भिन्नातक शब्द, ठीक है, तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि समास, क्रिया, उसके बाद उपसर्ग, कुल मिला के इसमें भी आपके 24 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे आके आप पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पूरा का पूरा
प्रोसेस बता दिया, अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है चैप्टर्स का नाम लेने में, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, वीडियो बड़ा हो जाता है तो बच्चे देखना नहीं चाहते, इसलिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, तो गलती भी हो सकती है चैप्टर्स का नाम लेने में। यहाँ पर आप पूरी की पूरी मतलब जो चैप्टर्स का जो लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है हमारा क्लास नाइन्थ का आने वाला है, सिलेबस के ऊपर सैनिक स्कूल का, क्लास सिक्स का सैनिक स्कूल का मैं डाल चुका हूँ, यही ये बना दिया है। अब नाइन्थ का मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद नाइन्थ का भी अपलोड करूँगा। तो बहुत सारा इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।